तो गाइस ये है, चेहरा दिखाओ, अब नीचे दिखाओ। तो ये है प्रांजलि पांडे, मेकअप आर्टिस्ट, फेशियल। ये तो मेरा वाला है, संस्था चलाती है। मनोज मनोज यहाँ पर फेशियल चालू है भाई, सगाई का। ये भाई खास स्पेशल सगाई मेकअप ब्लॉग है, सगाई के दिन जो तैयारी होगी भाई ये उसका ब्लॉग है। यहाँ पर ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये देखो यहाँ पर बाकी सब भी कर रहे। शिवानी वो शिवानी पांडे मेहंदी आर्टिस्ट, फ्री में गरीब बच्चों को मेहंदी सिखाती है। और यहाँ पे मेरी मम्मी के मुँह पे पूरा फेशियल लगा हुआ है। और ये रहा छोटा बाबू। गणपत को दिखाओ, गणपत को दिखाओ, गणपत को। गणपत क्या बोल रहा था, जल्दी बोल। छोटा बाबू और इधर और अभी भाई, और अभी मेरी भाभी लोग, जो मेरी तीन भाभी वो लोग भाई वो मंगाए थे। तो भाई अभी मेरी भाभी लोग मंगाए हैं बेसन वगैरह, और फिर उसका कुछ तो फेशियल बन। आ गया भाई, ये समोसा भाई है और ये समोसा बहन है मेरी। अभी मैं समोसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग समझ जाओ भी इस तरीके से। और ये क्यों, इसको क्यों बोलते मोती? वो बोलेगा तो वो मार खाएगा ना, इसके लिए नहीं बोल रहे वो। मेहंदी दिखाओ, ये देखो भाई मेहंदी गौरी की। तो भाई ऐसे भाई ये ऐसी तैयारी चल रही है, और फिर वो बेसन वगैरह आया, उसका लेप वगैरह बनेगा, और फिर उससे बनेंगे सब लोग, मतलब वो जो रहता है नुक्से लगा कर रेसिपी जो भी रहता है वो बना कर, और फिर उसके बाद गोरे होएंगे ऐसा निखार है। हाँ तो गौरी पहले से ही गौरी है। तो गाइस ये है, चेहरा दिखाओ, अब नीचे दिखाओ। तो ये है प्रांजलि पांडे, मेकअप आर्टिस्ट, फेशियल। ये तो मेरा वाला है, संस्था चलाती है फ्री में। हाला ये मेरा वाला है। हाँ दे दे दे, दे। हाँ अभी थोड़ा सा ये गिराओ गाइस, न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाहिए चेहरे के साथ में। अच्छा तो रगड़ो। तो गाइस फेस वॉश कर लिया है, ये देखो भाई पूरा एकदम अच्छे से भाई, जो भी लगाया हुआ था वो स्क्रब लगाया था, कौन सा था पता है, ये वाला स्क्रब था, और वो एक क्रीम था, ये देखो ये वाला स्क्रब था, ये वाला स्क्रब मेरी भाभी का था, ये मैंने उठा के लगा लिया। और एक कुछ तो था, वो कोई तो चारकोल के जैसा वो था, फेस वॉश था वो लगाया, बाकी फेस पे एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है चारकोल के लिए, चारकोल की वजह से। और बाकी घर में क्या तैयारी चल रहा है वो दिखाता हूँ भाई। बच्चा सो रहा है और यहाँ पर दादाजी आराम कर रहे हैं, और ये देखो भाई लाइन से सब खा रहे हैं। देखो भाई सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे लाइन से। और प्रांजलि पांडे मेकअप आर्टिस्ट के साथ में हाथ बटाने वाली संस्था में भी काम करती है, तो वो मदद कर रही है सबको खाना। अरे रे ऐसा नहीं बोलते गणपत, चलो तुम लोग खाना खा भाई, जो खाना पीना हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पर मेरी आंटी आई है, मेरी मम्मी है यहाँ पर, और इस तरफ यहाँ पे खाना वगैरह बन रहा है। देखो भाई इस तरफ देखो, और भी खाना वगैरह बन रहा है। मेरी भाभी बहुत काम कर रही है, मेरी भाभी भी बहुत काम कर रही है। ये देखो भाई, हाँ देखो ये सर पे क्यों गया मालूम है, क्योंकि ना ये हाँ ये गाँव वाली भाभी है। आजकल की मॉडर्न भाभी लोग क्या करते नहीं रहते ना, बट ये गांव वाली भाभी, देखो मेरी चाची के सर पे भी पल्लो है, देखा? मैंने काफी बार नोटिस करवाया है आपको, तो घर में जो बैठे हो कोई बड़ा आया या फिर कोई बड़ा देखने वाला है तो सीधा डाल लेंगे सर पे पल्लो ना। तो ये कौन है समोसा, और कौन है समोसा इसका मार तो मुंह फोड़ दूं क्या, और कौन है बाबू समोसा? हाँ गौरी, गौरी समोसा। फिर तू झगड़ा करवाएगा? आज नहीं होएगा झगड़ा। सीताराम के बाजो तू
दादी ने गाली दिया मेरे मुंह से, हंसी निकल गई और भैया पहने थे वाइट वाइट पहन के, उनके कुर्ते पे पूरा वाइट वाइट चले गया। वो देखो अभी चेंज कर रहे, फटाक से धोने गए। एक ही बच्चा है, कोई भी खा ले। तुम्हें देखो भाई भाभी कपड़ा धो लिए, छोड़ दे वो कबाब हो गया। काम काम बढ़ गया भाभी को, रुकाई भाभी भैया पान नहीं खाना चाहिए। अरे कुल पान फूक काट के भाई ये देखो, ये है मेरे छोटे चाचा, चार नंबर वाले चाचा, और ये इनका बेटा शिवा। और एक मजे की चीज दिखाऊं कि बचपन में छोटी बहन लोग रहती थी, उसके क्या फायदे रहते क्या नुकसान रहते। चाचा दिखाओ जरा आप, ये देखो भाई, ये देखो भाई, सोटे से मार खाया है, देख रहे हो कितना मार खाया है भाई। ये क्या है अंकल बताओ जरा,
मेहंदी लगी है ना ये बच्चे लोग अपने हाथ में मेहंदी लगाने के बजाय इनके पीठ में लगा के तब अपने हाथ में लगाए। बोले पहले बड़े वाले भाई को लगा देता हूँ फिर मैं अपनी लगाऊंगा। ये सोया हुआ था भाई, तो ये छोटे छोटे जो हैप्पी और रानी है ना वो लोगों ने इसके पीठ पर भाई पूरा पूरा इतना देखो मेहंदी लगा दी है। ये नहा कर निकला, अंकल घर पे अकेले थे और ये था, तो अंकल बोल गए गिर उड़ गए, इसको चोट आ गई। देखो ऐसे शिवा ये सब पूरा देख रहे हो कितना मेहंदी लगा दे भाई। ये होता है भाई छोटी बहन लोग रहते हैं तो। A few moments later. तो गाइस दोपहर के बज रहे हैं 3:30 और ये सारे सामान उतार रहे भाई हम गाड़ी से। यहाँ पर वाटिका बैंकेट में भाई हमारी सगाई है दीदी की आज। हाँ हाँ उठा जल्दी छोटू फटाफट उठाओ, ये देख ये ऐसे। तो भाई ये सारे सामान हमको निकाल के ना रखने के है यहाँ पर और फिर ऊपर जाएगा सब। भाई जितने सामान थे सामान रख दिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पर सामान वगैरह मतलब जो खाने पीने का वो है ना वो बन रहे हैं। यहाँ पर ये देखो क्या बोलते हैं उसको, प्याज को चॉप करने वाली मशीन देख रहे हो किस तरीके से पूरा एकदम ग्रेवी बन के निकल रहे हैं। आप सब जानते हो गाइस, आप और दिखाता हूँ एक आदमी दिखाएगा अब ये। चलो हमारे भाई ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं संजय भाई केसरवानी है, मैं इनको दूर से ही पहचान लिया। संजय ये देख देखो देखो भाई यहाँ पे सब्जी वगैरह बन रहा है, खाना वगैरह बन रहा है, ये देखो इस तरफ। तो ये तो है भाई सगाई का तैयारी ब्लॉग, तो तैयारी ब्लॉग है भाई, इसलिए तैयारी में आपको ना जो भी तैयारी होती रहेगी ना वो दिखेगा। अमेरिका से इंपोर्ट करा के मंगाए हम लोग आज। अबे ये दोनों मंगोलिया से आए पागल, ऐसा मत बोल। फिलिस्तीन से आए। अबे भाई पपैया वाले ये देखो भाई, अरे इधर पे अच्छे कार्ड भी दिए, इतना फास्ट सर्विस क्या बात है। सही है यार ब्रो, इधर पे ये काम और इधर पे देखो बन रहे पानी पूरी का मटर तैयार है, सब 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 बन रहे। देखो कैसे पता चलेगा पानी पूरी का, मीठी चटनी है। अच्छा उधर पनीर की कढ़ाई है मतलब वो जो भी है, और बाकी इधर पे ये सब है। तो देखो भाई खाने पीने का जो सिस्टम रहने वाला है ना वो ना यहाँ रहने वाला है नीचे, जितना हो उतना मजबूत से खाओ। आया अभी चलता हूँ मैं आपको ना हॉल दिखाता हूँ भाई, जिसके अंदर सगाई होने वाली है और सामान वगैरह जिसके अंदर रखा है ना वो दिखाता हूँ। तो चलो मैं सबसे पहले आपको ना हॉल दिखाता हूँ। तो ये है भाई हॉल, ये होने भाई यहाँ पे सगाई, सामने स्टेज और ये जो ब्राइड एंड ग्रूम रहेंगे उनका ये चेयर, और ये पीछे आप जो ये देख रहे हो ना ये रियल नहीं है, ये वॉलपेपर है, बुक्स है, एक बटन दबाया उस बुक बाहर आई है। ये ना वही वॉलपेपर है बट ना एकदम ऐसा लगता है कि रियल, अगर आप एक झटके में देखोगे। अरे वॉलपेपर भी नहीं है भाई, कलरिंग है। हाँ ये सब जिससे बुलाया हम लोग कारीगर लोग, पेंट कलरिंग नहीं है भाई, वॉलपेपर है। वो देखो आप चिपका है, ये ओपन होता है नहीं, अभी आइस लॉक है, आइस लॉक है मतलब स्कैन करते चल कान पट दूंगा। गाइस ये है देखो, ये दूल्हा दुल्हन का हो स्टेज, यहाँ पे बैठेंगे ये दुल्हन और ये दूल्हा ऐसा, फिर ये यहाँ पे सामने सब रहेंगे गेस्ट। ये यहाँ पे मिरर इसलिए दिया है कि किसी को अपना मेकअप देखना हो तो यहाँ पे देख सकता है। 5 बजे का टाइम है, बज चुके हैं 4 लगभग। ये है हॉल और अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और पर्सनल वाला दिखाता हूँ, मतलब जिसमें मतलब एक जो दुल्हन को मिला है पर्सनल, मतलब दुल्हन मिला है मतलब लिए है। ये देखो ये जिसके अंदर ना सारा मतलब लड़की वाले जो है ये सब ना उनका सामान रहने वाला है, सब लड़की वाले जितने भी है ना भाई सब उनका सामान है, मतलब जो भी मतलब लड़की वाले जो भी सामान रखना चाहते हैं ऐसे ना। हमने एक प्रोवाइड लड़के वालों को भी करवाया है और ना अच्छे से और एक टूर देता हूँ भाई मैं आपको। ये वो भी डोर बंद, छोटू बंद करो डोर, झटाक से जल्दी खींचो अच्छे से, तो एसी की हवा बाहर जा रही बाबू। हाँ गुड बॉय, अब बस छोड़ दो ऑटोमेटिक है सर। तो ये है भाई इतना बड़ा हॉल, ये है भाई इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा यहाँ से सामने का व्यू देखोगे। अच्छा यहाँ पर भी भाई चेयर वगैरह लगेगा, मस्त एकदम बातचीत होगी। बाकी ना ये पुराना लाइटनिंग होएगा जगमग जगमग, और ये सामने देख रहे हो सामने वाला ये है भाई, उस तरफ है टाटा अमंत्रा, उधर पे उधर है ओम साई, ये है सामने गोदरेज का, ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये भी शायद गोदरेज का है। तो ये है भिवंडी बाईपास का, जैसे मतलब वो बाईपास का वो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से बस जस्ट यहीं पर। ये देखो ये है होटल वाटिका बैंकेट,
लॉन या जो भी बोल लो, तो भाई यही है। तो यहाँ पर ही है भाई दीदी की सगाई। तो भाई यहाँ का भी मैंने फुल टूर दे दिया, अभी एक ट्राई मारता हूँ कि भाई चलता हूँ आपको मैं दुल्हन जो तैयार हो रही है वो मेकअप दिखा सकता हूँ, तो वो भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। यहीं पे है हॉल में ही। हाँ, यहीं की तैयार हो रही है ऊपर। ऐसे तो मैं दीदी के रूम में आ चुका, बट मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा कहना है कि भाई आप नहीं दिखा सकते आधा अधूरा महंगा, अरे आधा अधूरा मेकअप, वरना फिर आप बोलोगे कि अच्छा मेकअप नहीं किया करके। इस वजह से भाई हमने दिखा रहे आपको दीदी को, बाकी रेडी होने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। और गौरी भाई एकदम असिस्टेंट का काम कर रही है। खाना खाए हो भाई? देखो सब लोग रेडी हो चुके हैं भाई। अनन्या, ऋषभ पांडे, दुर्गेश भैया, अमित भैया, अथर्व दुबे, अरे वाह भाई वाह, पीछे अखिलेश भैया। और यहाँ पर मेरी दादी भाई साड़ी पहन रही है, दादा अभी रेडी होंगे, और चाची लोग। ये देखो भाई चाची भी रेडी हो ही चुकी है भाई, वाह 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 वाह। टिकली बची है, टिकली लगाओ टिकली। अभी चलो अभी और दिखाता हूँ, अभी मम्मी बची है ना, मम्मी को दिखाता हूँ मैं आपको। मम्मी ये देखो भाई, इधर मम्मी है, पैसा बांटने का काम कर रही है मम्मी। और यहाँ पर पापा आधा रेडी हो रहे हैं, चल के उधर पे हॉल में पूरा रेडी होंगे। तो भाई अभी इसी के साथ मैं भी जा रहा हूँ नहा कर रेडी होने। गणपत को देखो भाई, गणपत ला, मेरे घड़ी दे दे बाबू, मेरी घड़ी दे दे, घड़ी मेरी घड़ी दे दे बाबू, मैं पहनना है अभी। मैं देखो भाई मेरी घड़ी पहन लेता हूँ, मेरी घड़ी मेरे को ही नहीं देता है वो। देखो ये देख, इतनी बड़ी घड़ी मत पहन तू, कोई नहीं भाई। शूज़ वगैरह देख लो, तेरी शूज़ तो दिखा, शूज़ में तेरे क्या कमाल है, शूज़ दिखा, शूज़ लाइट जला के दिखा दे बाबू। ये देखो भाई लाइट वाला शूज़ है, अथर्व दुबे का भी शूज़ अच्छा है। तो क्या हुआ तुमसे, अच्छा है मगर उसका। तो भाई बस अभी आज का ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, यानी कि जब दीदी की सगाई होगी। ये था भाई सगाई का पूरा, सगाई मतलब सगाई का मेकअप ब्लॉग वगैरह वगैरह तैयारी ब्लॉग। तो अभी इसके बाद का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहेगा भाई दीदी का सगाई पूरा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो, तब तक के लिए गुड नाइट। बाबू बोलो बाय। बाबू नाराज है मेरे से। जय श्री राम।